दिग्गजों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी की आज भरूच, सुरेंद्रनगर और राजकोट में रैली है। वहीं सूरत में सीएम विजय रूपाणी बीजेपी की बाइक रैली में शामिल हुए। सांणंद में राजनाथ सिंह ने जनसभा की और राहुल गांधी के सवालों पर पलटवार किया और बीजेपी की जीत का दावा किया। वहीं सूरत में स्मृति ईरानी ने रैली की और राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि वो अमेठी तो बचा नहीं पाए, गुजरात चुनाव क्या जीतेंगे। सूरत में पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने रोड शो के जरिए अपनी ताकत दिखाई है। ये तस्वीरों के सहारे हम आपको गुजरात की चुनावी तासीर इस वक्त हम आपको समझा रहे हैं। गुजरात में 22 सालों से लगातार जीत का परचम लहराने वाली बीजेपी के विजय रथ को आगे बढ़ाने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 रैलियों को संबोधित करेंगे, जो आज की सबसे बड़ी खबर है। पीएम यूपी निकाय चुनाव में मिली बंपर जीत की हवा का रुख गुजरात में करने के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। और 5 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि आज गुजरात का सियासी संग्राम क्या है। ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए, पीएम मोदी आज से 2 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं और वो तूफानी रैलियां करेंगे। पीएम मोदी 2 दिनों में 7 रैलियां करेंगे और गुजरात की जनता को संबोधित करेंगे और यह बताएंगे कि 22 सालों में किस तरीके से गुजरात का विकास हुआ है। मोदी की आज भरूच, सुरेंद्रनगर और राजकोट में रैली है। इस रैली के जरिए कांग्रेस पर सीधा वार होगा। सोमवार को पीएम की 4 जनसभाएं हैं। इस जनसभा के जरिए चाहे वो भरूच हो चाहे राजकोट हो, और भरूच में देखिए समझना बेहद जरूरी है यहां के सियासत को, सियासी समीकरण को। भरूच में विधानसभा की 5 सीटें हैं, इनमें से 4 पर बीजेपी का कब्जा है, इस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पहुंचना बहुत अहम है। राजकोट की 8 विधानसभा सीटों में से 4 बीजेपी के पास है और 4 कांग्रेस के पास है। भरूच की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां के बारे में अभी मैं जानकारी दे रहा था। भरूच जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, सुन लेते हैं उन्हें। आदिवासियों ना कल्याण ने माटे एक मुख्य सेवक तरीके पोतानी जिंदगी खपावनार भाई श्री मनसुख भाई वसावा, जिला भारतीय जनता पार्टी ना अध्यक्ष। वक्त का हो चला है, ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे गुजरात के सियासी संग्राम में और क्या है खास आपको बताएंगे, दिखाएंगे, लेकर के चलेंगे गुजरात की सरजमी पर।